पठान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बेशर्म रंग गाने में भगवा बिकिनी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब विरोध प्रदर्शन तक बढ़ गया। इसे लेकर तमाम हिंदू संगठन अपनी संस्कृति का अपमान बताते हुए फिल्म और इसके गाने को लेकर विरोध जाहिर कर रहे हैं। दरअसल पठान फिल्म का एक गाना है बेशर्म रंग, जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को एक हिस्से में केसरिया रंग की बिकिनी पहनाकर उन पर गाना फिल्माया गया है। वहीं इस गाने के सामने आने के बाद से ही लगातार कई हिंदू संगठन इस गाने और फिल्म के साथ इसके एक्टर एक्ट्रेसेस का विरोध कर रहे हैं। करणी सेना ने चेतावनी दी है कि वो दिल्ली के किसी भी सिनेमाघरों में इस फिल्म को चलने नहीं देंगे और अगर कोई भी सिनेमाघर इसे चलाता है तो वहां होने वाली तोड़फोड़ के जिम्मेदार वो खुद होंगे। वहीं बीजेपी के कई नेताओं ने भी इस मामले में पठान की कड़ी निंदा की, लेकिन पठान विरोध के बीच बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्टर सनी देओल चर्चाओं में आ गए। हर कोई यही सोच रहा था कि सनी देओल भी इस मामले पर जरूर कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन सनी देओल ने भी इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। बीजेपी के कई नेता साधु संत फिल्म का विरोध कर रहे हैं और इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच सनी देओल की चुप्पी हिंदुओं को गुस्सा दिला सकती है। दरअसल सनी देओल की चुप्पी उन्हीं पर भारी पड़ सकती है। बता दें कि एक्टर की जल्द ही बैक टू बैक कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जहां जल्द ही वो गदर 2 के साथ धमाल मचाने वाले हैं। वहीं वो अपने 2 में भी अपने परिवार के साथ दिखाई देंगे। इसके अलावा वो बाप नाम की फिल्म में भी दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि सनी देओल अपनी फिल्म का बॉयकॉट नहीं करवाना चाहते, इसलिए वो फिलहाल चुप बैठे हैं। लेकिन उनकी ये चुप्पी सनातनी धर्म के लोगों को गुस्सा दिला सकती है। सनी देओल न सिर्फ एक एक्टर हैं, बल्कि बीजेपी सांसद भी हैं। ऐसे में उनके रिएक्शन की हर कोई उम्मीद कर रहा है। ऐसे में देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आने वाले दिनों में सनी देओल पठान मामले पर कुछ बोलते हैं या नहीं। वैसे आपको बता दें कि फिल्म पठान का जमकर विरोध किया जा रहा है। लोग इस कदर गुस्से में आए हुए हैं कि शाहरुख के पोस्टर तक जला रहे। बता दें कि कुछ लोग शाहरुख के पुराने बयानों की वजह से पठान का बहिष्कार कर रहे। साल 2015 में एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख ने कहा था कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ गया है। शाहरुख के इस बयान पर तब खूब बवाल मचा था और अब एक बार फिर से लोग शाहरुख पर गुस्सा निकाल रहे हैं। जिस तरह से लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुश्किल से ही टिक पाएगी। शाहरुख आखिरी बार 0 फिल्म में नजर आए थे, जो कि फ्लॉप साबित हुई थी। वहीं अब वो पठान से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन लगता है पठान का विरोध शाहरुख की सारी उम्मीदों को तोड़ देगा। बता दें कि शाहरुख खान की पठान हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज होगी। ये फिल्म 25 जनवरी 2023 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। इस फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के अलावा जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को 250 करोड़ के बजट में बनाया गया। ऐसे में देखने वाली बात तो अब ये होगी कि भारी विरोध का सामना कर रही पठान का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल होता है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।